लोकसभा चुनाव 2019 का प्रचार जोरों पर है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अपने पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने की अपील जनता से कर रहे हैं। इसी के चलते बुधवार को भाजपा के उपाध्यक्ष प्रभात झा राजगढ़ पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए प्रभात झा ने कहा कि कांग्रेस एक लंगड़ी सरकार है, यदि उसमें से कोई टूट फूट हो जाए तो हम क्या करें। हम 109 हैं और वो 114, लेकिन लोकसभा में हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। राजा महाराजा को जमीन पर आना ही है, ये लोकतंत्र है। हमारी जानकारी के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सहस्रबुद्धे और भाजपा के उपाध्यक्ष प्रभात झा पदाधिकारियों की बैठक लेने हेलीकॉप्टर से राजगढ़ पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बैठक आयोजित की गई है। माना जा रहा है कि दोनों नेता डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आए हैं। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये नहीं है, सवाल ये है कि अनावश्यक नहीं बोलना और आवश्यक छोड़ना नहीं। अब हमने 5 वर्ष से लगातार उन सबको, और व्यक्तिगत नहीं है, उनकी कार्य पद्धति और मानसिकता का विरोध करता हूं। राजा के और महाराजा के दिन लद गए, ये लोकतंत्र का उत्सव है और ये हमने खत्म नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खत्म किया। इसलिए धरती पर आना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई हवाई जहाज ऐसा नहीं है जिसको नीचे नहीं आना होता है। हम इस चीज की लड़ाई लड़ते हैं और इसलिए लोगों को आपको लगता होगा इस समय पार्टी की अधिक से अधिक सीटें आए, उस दिशा में हम सब लोग लगे। मोदी लगा उस समय पिछले 14 में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सार्वजनिक तौर पे दिख रहे हैं, अब आपको कम नजर आ रही है अंडर करंट। आप मुझे बताओ, आपने ही छापा है कल अखबारों में, अमित पाल बिरसिया के ईट खेड़ी गांव का कार्यकर्ता नहीं है, सम्मान किया। क्यों किया? ये करंट नहीं दिखाता है क्या? इसी करंट से कांग्रेस को करंट लग रहा और चिल्ला भाई। एक अंतिम प्रश्न, क्या लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी जी की पुनर्वापसी होती है तो क्या कमलनाथ सरकार को कोई संकट है? देखिए, हम नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि लोकसभा की सरकार बनना, संकट तो इनको 12 महीने रहना है। लंगड़ी सरकार है, न उनको बहुमत मिला है न हमको बहुमत मिला है। हम 109 है, वो 114 है। भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि बस जैसे मोदी जी आएंगे और अगर हम राजनीति में, अगर उनके कुछ लोग टूट फाट करते तो हम क्या करें?